सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ना बिकना का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हो कि मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। हो कि मायूस ना यूँ ही शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियोज़ में मैं आप सबको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 10 के उन सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। इससे पहले के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और आगे भी यही सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अतः आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके सोशल साइंस के साथ साथ साइंस में भी काम करेंगे। वन विनाश के बारे में बताऊंगा ना, तो अंत का क्वेश्चंस देखना ना भूलेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना वो लाइक कर दे, और जो नए हैं और अभी तक चैनल मस्त क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है और उसे एग्ज़ाम हॉल में कॉपी पर कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को लिखेंगे ना तो आपके परीक्षा में फुल मार्क्स मिलने की 100% संभावना है। तो ठीक है, तो आइए मैं आप सबको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा है कि ये आया हुआ क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। 3 कारण का संक्षिप्त विवरण देना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आइए मैं बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए आंसर लिख के हमें ऐसे लिखना होगा कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के 3 कारण निम्न है। निम्न का मतलब नीचे है। अब पहला कारण को लिखेंगे, जैसे पहला कारण है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन और उसको अंडरलाइन कर देंगे। और इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों में भारी गिरावट हुई, यानी कृषि उत्पादों में भारी वृद्धि हुई तथा कीमतें घट गई जिससे उनका खरीदार नहीं रहा। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है आपका कि उपभोक्ता की कमी, क्या है उपभोक्ता की कमी, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कि गरीबी के कारण अन्य उत्पादों की बिक्री भी कम हो गई। ये आर्थिक संकट के मुख्य कारण थे। बहुत सारे लोग गरीब थे, गरीबी वाले क्षेत्र में आते थे, जिसके चलते उनकी आर्थिक संकट हुआ, उत्पादों की बिक्री घट गई, उनके पास पैसे ही नहीं थे तो खरीदेंगे कैसे, है ना, यही बात है। और फिर है तीसरा पॉइंट, 3 कारण लिखना था तो तीसरा है अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी, और इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। और इसमें लिखेंगे कि 1928-29 ईस्वी के मध्य, यानी कि बीच में
अमेरिकी विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई, ठीक है, कर्ज में भारी गिरावट आई। इससे क्या हुआ कि इससे अमेरिकी कर्ज पर, अमेरिकी जो कर्ज पर आश्रित राज्य थे, देश थे, तो उनके लिए संकट उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के क्या कारण थे, ठीक है। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है ना, एक टॉपरों के लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको लिखना होगा। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट्स तैयार कर लेंगे। यही सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है आपको, है ना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लें, यही एग्जाम में आएंगे। देखिए मैंने अगला जो क्वेश्चंस लिखा है उसके बारे में देखिए क्या है, उसको कैसे लिखना है। अगला जो आपके क्वेश्चंस परीक्षा में आने की संभावना है वो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करना है, उसके अंतर को, भिन्नता को बताना है, ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन। तो आइए मैं उसको बताता हूँ कि इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताएं निम्न है, निम्न मतलब नीचे है। अब कौन कौन से हैं देखिए, आपका आपका पहला क्वेश्चन होगा कि ग्रामीण की आबादी कम होती है, गांव की आबादी जो होती है क्या होती है, कम होती है, और उनकी आजीविका का साधन खेती और पशुपालन होता है। अपने भरण पोषण करने का जो तरीका है गाँवों में दो ही टाइप्स के होते हैं, एक होता है खेती और एक होता है पशुपालन, जबकि नगर की आबादी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू विले, गाँवों की तुलना में नगरों की आबादी जो होती है ज़्यादा होती है, और उनकी आजीविका के साधन व्यापार और उत्पादन है। जो नगर के लोग होते हैं वो व्यापार करते हैं या किसी चीज़ के उत्पादन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो ये पहला भिन्नता हुआ, गांव की आबादी कम होती है और गांव की जो होती है ना जीवन पालन करने का तरीका खेती और पशुपालन यानी कृषि होता है, जबकि नगरों की जो आबादी होती है उनकी आजीविका का साधन व्यापार होता है, उत्पादन होता है। और दूसरी कारण है उसको भी देख ले, दूसरा है पॉइंट्स कि गाँव क्षेत्र आधुनिकता से काफ़ी दूर है, जो मॉडर्न युग चल रहा है उससे अभी तक गाँव के जो निवासी हैं वो दूर हैं, जबकि नगर में आधुनिकता का बोलबाला है ना, नगरों में आधुनिकता का बोलबाला हो गया है। तो ये दो जो है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नताएं हुई। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, है ना, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखना है कि लिखा है कि देश से बाहर किसी दूसरे देश में, देश के बाहर किसी दूसरे देश में आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, आर्थिक उद्देश्य रुपया पैसा की पूर्ति हेतु राज्य स्थापित करने की नीति को उपनिवेशवाद कहते हैं ना, आर्थिक जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जो राज्य स्थापित किया जाता है उसी को उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेशवाद में प्रायः जो होता है ना तकनीक रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित की जाती है ना, उपनिवेशवाद जो क्रिया है, जो उपनिवेशवाद है उसमें जो है ना बड़े बड़े जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर देश है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और अपने बताए हुए नियमों को उनको चलने को कहते हैं, और यही जो क्रिया होती है ना वो उपनिवेशवाद कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपनिवेशवाद भी समझ में आ गया होगा। आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ, जो कि आपके साइंस में भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि आपके 2 मार्क्स का ही ये भी क्वेश्चन है कि वन विनाश के 2 मुख्य कारक क्या है, वन जो विनाश हो रहा है उसके कारक क्या है। तो आइए मैं आपको इसके आंसर से रूबरू कराता हूँ कि इसको एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखने का तरीका भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आंसर तो याद रखते हैं लेकिन लिखने का तरीका, सलीका है ना, नियम नहीं मालूम होने के कारण उनको फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि वन विनाश के 2 मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला जो है कि उद्योग एवं ईंधन के लकड़ियों के उपयोग के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई वन विनाश का मुख्य कारक है। क्या है कि उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं उसमें जलावन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ईंधन के रूप में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, या घर में इमारती लकड़ियों की
सहायता से डिजाइन वाले खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं और इसी पूर्ति करने के लिए वनों को अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो ये जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई वन विनाश का पहला मुख्य कारण है। और दूसरा देखिए, दो ही पॉइंट्स लिखना है, टू नंबर्स का आता है कि भोजन सुरक्षा और आनंद के लिए वन जीवों का शिकार भी वन विनाश का मुख्य कारक है। अपने भोजन की पूर्ति के लिए, अपनी सुरक्षा की पूर्ति के लिए, खुशी के लिए वन जीवों के लोग शिकार करते हैं और वन जीवों को शिकार करने के लिए लोग वनों को भी काट देते हैं। तो ये जो दो हैं कारण वो वन विनाश के मुख्य कारक है। तो मैंने जो इस वीडियोस में आपको क्वेश्चंस बताया, उम्मीद करता हूँ कि दोनों चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो एक लाइक कर देंगे, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि मेरे हौसले भी जीती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आप सबसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका थैंक्स, धन्यवाद।